एक बड़ी अर्थिंग इनपुट ये रिले में घुस रहा है और एक 12 वोल्ट ये रिले में इनपुट घुस रहा है और एक पासिंग लाइट हम जैसे ही बालते हैं ये वाला वायर में 12 वोल्ट करेंट यानी कि घुसता है। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है 5 पिन का रिले है, देख सकते हैं ये 5 पिन का रिले है, पासिंग रिले है ये, ठीक है। ये ग्लैमर मोटरसाइकिल, सुपर स्प्लेंडर और साइन मोटरसाइकिल का है, एक ही है, ठीक है, एक ही जैसा ये रिले लगता है, 5 पिन का ये रिले। तो चलिए दोस्तों, ये रिले में 5 पिन का ये रिले है और 5 तार लगा हुआ है इसमें, देख सकते हैं ये 3 इधर है और 2 इधर है, देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये 5ों वायर यानी कि कौन कौन इनपुट है और कौन कौन आउटपुट है और कहाँ से ये वायर सब आता है, ठीक है। दोस्तों ये वायर एक देख सकते हैं, ये पूरा ये नीला कलर का ये वायर, ये एक ही वायर आउटपुट है यानी कि ये रिले में से आउटपुट करंट निकलता है, ठीक है, और बाकी सब इनपुट है। तो चलिए हम आज इस वीडियो में हम यही जानकारी देने वाले हैं कि ये आखिर में ये कहाँ कहाँ से आता है और ये रिले में घुसता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए ना देरी करते हुए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये रिले में, ये पासिंग रिले हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये साइन मोटरसाइकिल में भी लगता है और सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल में भी लगता है और साइन मोटरसाइकिल में भी लगता है, ठीक है, और दोस्तों ग्लैमर मोटरसाइकिल में भी ये पासिंग रिले लगा रहता है दोस्तों, ठीक है। और ये कहाँ लगा रहता है कि अगाड़ी के भाइजर के भीतर में ये रहता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम इनपुट के हम बात करेंगे कि इनपुट यानी कि कहाँ से आया है, यानी कि इनपुट का मतलब क्या होता है कि दोस्तों ये रिले में यानी कि घुसता है, ठीक है, करेंट घुसता है ये रिले में, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों ये देख सकते हैं, पूरा हरा कलर का ये वायर देख सकते हैं और ये पूरा काला कलर का ये वायर देख सकते हैं। तो ये है बॉडी अर्थिंग, बॉडी अर्थिंग ये रिले में घुस जाता है यानी कि इनपुट घुसता है बॉडी अर्थिंग ये रिले में अपना काम करने के लिए, यानी कि वर्क करने के लिए अपना जो बॉडी अर्थिंग का काम होता है ये, यानी कि बॉडी अर्थिंग ए वाला वायर के माध्यम से देख सकते हैं, पूरा हरा कलर का वायर है, ये बॉडी अर्थिंग घुस जाता है ये रिले में यानी कि इनपुट घुसता है, ठीक है। और दूसरा नंबर में देख सकते हैं ये प्लस यानी कि 12 वोल्ट करंट इसमें आता है, जैसे ही हम इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं, इग्निशन स्विच ऑन करते ही ये रिले में 12 वोल्ट करंट घुस जाता है, ये अपना काम करने के लिए घुसता है यानी कि 12 वोल्ट करंट, देख सकते हैं ये प्लस घुस रहा है ये रिले में यानी कि इनपुट आ रहा है और एक माइनस इनपुट आ रहा है यानी कि ये दोनों तार इनपुट है, आप यानी कि एकदम यानी कि दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है दोस्तों। और एक दोस्तों एक ये कलर का वायर आप देख सकते हैं जो नीला में काला लाइन बना हुआ है दोस्तों, ये देख सकते हैं नीला में काला लाइन बना हुआ है, तो ये दोस्तों है, ये है पासिंग स्विच का, जैसे ही हम पास लाइट को बालते हैं तो वहाँ से इनपुट 12 वोल्ट करंट आता है, समझने का कोशिश करिएगा दोस्तों। पास लाइट जैसे ही हम जलाते हैं तो वहाँ से 12 वोल्ट करंट ये रिले में आता है, ये वाला वायर के माध्यम से 12 वोल्ट करंट ये यानी कि रिले में घुस जाता है और जैसे ही ये घुसता है वैसे ही आउटपुट करंट ये रिले बाहर निकाल लेता है। तो देख सकते हैं आउटपुट करंट ये वाला वायर में आता है दोस्तों, जो पूरा नीला कलर का वायर है दोस्तों, ठीक है। और हमारा पासिंग लाइट हेडलाइट में पासिंग लाइट हमारा बल जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे ही हम पासिंग लाइट को बालते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि 12 वोल्ट करंट ये वाला वायर में आता है, नीला पे काला लाइन बना हुआ है दोस्तों, और ये वायर में आता है और रिले में घुस जाता है दोस्तों। बाइक स्टार्ट हो या ना हो, ठीक है, सिर्फ इग्निशन स्विच ऑन होना चाहिए, पासिंग लाइट बांधने पर ये वाला वायर में 12 वोल्ट करंट आता है और हमारा यानी कि ये रिले क्या करता है, जैसे ही 12 वोल्ट करंट आता है पास लाइट, जैसे ही हम बालते हैं, जैसे ही 12 वोल्ट करंट ये वाला वायर में इनपुट आता है और रिले घुस जाता है, उसी टाइम में ये रिले क्या करता है कि आउटपुट करंट ये वाला वायर में निकाल लेता है और हमारा हेडलाइट पासिंग लाइट बल जाता है दोस्तों, ठीक है। और एक ये वायर देख सकते हैं दोस्तों जो नीला पे उजला लाइन बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों जैसे ही हम हेडलाइट को बांधने के लिए ऑन करते हैं, वहाँ से जैसे ही हम हाई बीम का, जैसे ही हम स्विच दबाते हैं हाई बीम का दोस्तों, जैसे अपर डिपर स्विच में हाई लो जो हम लोग करते हैं ना, वहाँ से जैसे ही हम हाई बीम का हेडलाइट बालते हैं तो वहाँ से करंट आता है ये वाला वायर में और इनपुट घुसता है, जैसे ही इनपुट घुसता है वैसे ही फिर यानी क्या करता है ये रिले अपना यानी कि आउटपुट करंट निकाल लेता है यही वाला वायर में दोस्तों, और हमारा हेडलाइट में हाई बीम बल जाता है दोस्तों। समझने का कोशिश करिएगा दोस्तों, ये वाला वायर में
यानी कि दो तरह से आउटपुट करंट निकल रहा है। एक पासिंग स्विच जैसे ही हम बालते हैं, पास लाइट जैसे ही हम बालते हैं, पास लाइट बालते ही ये वाला वायर में आउटपुट करंट निकाल देता है ये रिले, और हमारा पासिंग लाइट बल जाता है दोस्तों। और दूसरा नंबर में क्या होता है दोस्तों, जो ये नीला पे ये सफ़ेद लाइन देख सकते हैं, ये नीला पे उजला लाइन बना हुआ है, जैसे ही हम हाई बीम जैसे ही हम बालते हैं तो यहाँ करंट आते ही इनपुट घुसता है और यहाँ से आउटपुट ये रिले निकाल के यही वाला वायर में भेज देता है, और हमारा हेडलाइट में हाई बीम यानी कि जो यानी कि बल्ब होता है वो बल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आशा है कि आप यानी कि एकदम अच्छा तरह से समझ यानी कि चुके होंगे। तो दोस्तों ये एक वायर देख सकते हैं, ये एक वायर ये रिले से आउटपुट करंट निकलता है, ठीक है, और ये बाकी सब इनपुट है, ये रिले में इनपुट आता है, एक बड़ी अर्थिन इनपुट ये रिले में घुस रहा है, और एक 12 वोल्ट ये रिले में इनपुट घुस रहा है, और एक पासिंग लाइट हम जैसे ही बालते हैं ये वाला वायर में 12 वोल्ट करंट यानी कि घुसता है, ठीक है, और एक जैसे ही हम हाई बीम बालने की कोशिश करते हैं ये वाला वायर में आता है और इनपुट घुस जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप अच्छा तरह से यानी कि समझ चुके होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी हेल्पफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।